मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आर सी एजू हब बानसूर की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक के पद्य भाग का पाठ चल रहा था, पाठ 13, चंद्र गहना से लौटती बेर। ये एक कविता है कवि केदारनाथ अग्रवाल जी की, जिनका परिचय हम पिछले क्लास में पढ़ चुके थे। इनका जन्म सन 1911 ईस्वी में और मृत्यु सन 2000 ईस्वी में हुआ था। ये प्रगतिवादी युग के मुख्य कवि माने जाते हैं। इस कविता में कवि ने चंद्र गहना नामक स्थान के वहाँ के गांव के खेतों के वहाँ की प्रकृति का आंखों देखा वर्णन अपनी कविता में प्रस्तुत किया है। और कवि ने सभी को इस स्थान के हरे भरे भूभाग के बारे में बताते हुए इस कविता की रचना की है। कविता की पंक्तियां हैं, देख आया चंद्र गहना, देखता हूँ दृश्य अब मैं, मेड़ पर इस खेत की बैठा अकेला, एक बीते के बराबर यह हरा ठिगना चना, बांधे मुरेठा शीश पर छोटे गुलाबी फूल का सजगर खड़ा है। सबसे पहले बच्चों हम इसके जो कठिन शब्द है वो देखेंगे। यहाँ पे मेड एक शब्द आया है जो क्षेत्रीय भाषा का शब्द है, आम बोलचाल का शब्द है। मेड सभी बच्चे जानते हैं, ये जो दो खेतों के बीच में एक जो मिट्टी की एक दीवार की तरह बनाई जाती है, जिसको क्षेत्रीय भाषा में डोल या डोली के नाम से बोला जाता है, ये दो खेतों के बीच में एक विभाजन रेखा का कार्य करती है। उसके बाद में एक शब्द आता है बीते। बीते का अर्थ होता है छोटी लंबाई या एक बाली सन। अब इसको भी क्षेत्रीय भाषा में अपन ब्लांत शब्द कहकर बोलते हैं, जैसे एक अंगूठे से लेकर और तर्जनी छोटी जो उंगली होती है उसके बीच की लंबाई, एक वयस्क हाथ की, सभी हाथों की बच्चों लंबाई अलग अलग पाई जाएगी, एक वयस्क हाथ की जो लंबाई होती है अंगूठे और तर्जनी की जो मध्य की लंबाई जो 22.5 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, यहाँ पे एक ठिगना शब्द, ये भी आम बोलचाल का क्षेत्रीय भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है छोटा या नाटा। एक शब्द आता है मुरेठा, ये भी आम बोलचाल का शब्द है। इसका अर्थ होता है पगड़ी, सी सभी जानते हो, सी का अर्थ होता है सिर। अब जो हम इस कविता का जो भावार्थ है वो देखते हैं। देख आया चंद्र गहना, देखता हूँ दृश्य अब मैं। इसमें कवि चंद्र गहना नामक स्थान को देखकर आ चुके हैं। वे चंद्र गहना नामक स्थान पर घूमने के लिए गए हुए थे और जब वे वहां से लौटते हैं तो उन्हें एक हरा भरा खेत दिखाई देता है। उसके बाद कवि वहां के दृश्य को देखने के लिए एक मेड़ पर बैठ जाता है, जो अभी अभी हमने बताया था कि दो खेतों के बीच की विभाजक रेखा जो मिट्टी से बनाई जाती है, उस मेड़ पर बैठकर वह उस प्रकृति के उस खेत के हरे भरे भूभाग को देख रहा है। वहां पर कवि को उस खेत में एक चने का पौधा दिखाई देता है। चने के पौधे का मानवीकरण करते हुए, उसको मनुष्य का रूप देते हुए कवि ने इस कविता में वर्णन किया है कि एक बीते के बराबर, अर्थात एक छोटे से कद के बराबर यह हरा ठिगना चना, ठिगना छोटे कद का नाटा।
कि एक चने का पौधा बहुत ही छोटे कद का होता है, लगभग उसकी लंबाई एक बालिस के बराबर होती है। वह हरा ठंडा चना एक खेत के बीच में खड़ा है, अर्थात कवि जिस खेत को देख रहा है वह उस खेत में चने की फसल उगी हुई है। बांधे मुरेठा शीश पर छोटे गुलाबी फूल का, भी कवि ने उस चने के पौधे का वर्णन किया है। चने के पौधे का जो फूल होते हैं वो कैसे होते हैं? गुलाबी रंग के। चने के पौधे के फूल गुलाबी रंग के होते हैं, तो चने के पौधे के जो फूल होते हैं वो ऊपर होते हैं, पौधे के ऊपर ऊपर दिखाई देते हैं। ऐसे लगता है जैसे किसी छोटे कद के व्यक्ति ने अपने सिर पर पगड़ी बांधे रखी है। समझ गए क्या? अब यहाँ पे कवि ने उस पगड़ी बांधने वाले व्यक्ति को किसकी उपमा दी है? देखो, सज कर खड़ा है व्यक्ति। सजता सवरता कब होता है? जब वह बहुत प्रसन्न होता है, उसकी जिंदगी में कुछ अच्छा आने वाला होता है। तो इसमें उस छोटे व्यक्ति का कवि ने दूल्हे के रूप में वर्णन किया है। भी चने के पौधे का माल्यकरण किया है, माल्यकरण अलंकार का प्रयोग हुआ है। इस चने के पौधे की उपमा किसको? एक छोटे कद के व्यक्ति को दी गई है। किसको दी गई है? छोटे कद के व्यक्ति को। छोटे कद के व्यक्ति की तुलना कवि ने किससे की है? चने के पौधे से, जिसकी लंबाई के बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि कम से ये है ज्यादा से ज्यादा एक बालिस के इतना लंबा होता है, और जिस पर गुलाबी रंग के फूल खिले होते हैं, जो एक पगड़ी की तरह, जिस छोटे कद के व्यक्ति के सिर पर पहनी हुई पगड़ी की तरह दिखाई देते हैं। और उस समय वह चने का पौधा एक दूल्हे के रूप में सजा हुआ दिखाई देता है। भाई आपने पहले भी मैंने बताया कि कवि जो केदारनाथ अग्रवाल है, उनकी एक कविता चंद्र कैला से लौटते हुए, ये उत्तरी भारत के एक गांव के खेतों का वर्णन कवि ने इसमें किया है। उत्तरी भारत के गांव में खेती ज्यादा होती है, और वहाँ के जो खेत हैं वो हरे भरे, वहाँ का जो दृश्य है वो बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। और जब कवि वहाँ से लौटते हैं चंद्र कैला से, तो उनके पास जो समय होता है, उस समय में वे एक खेत की मेड़ पर बैठकर उस हरे भरे भूभाग का वर्णन करते हैं। तो बच्चों, आपको ये कविता की पंक्तियां समझ में आ गई होंगी। धन्यवाद।